ये अशोक उठ क्यों नहीं रहा? हमने इतनी कोशिश कर ली, इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है? माँ, वो भैया बहुत देर तक आग में थे ना, तो आग का धुआं इनके सांसों में चला गया होगा। मैं वैद्य जी को लेके आती हूँ। हाँ माँ। अशोक उठ गया। अशोक, अशोक, आग। हमारा घर चल के खाक हो गया, ये आग लगी कैसे? ऐसे तो इतनी भयानक आग नहीं लग सकती। अशोक, किसी ज्योत या मशाल से आग लगती तो घर का एक हिस्सा जलता, हमारा पूरा का पूरा घर जल गया। माँ, ये आग किसी ने लगाई है? किसी ने देखा? किसने लगाया? बोलो आनंदी। भैया अशोक, वो सब छोड़, तू बस भगवान का नमन कर। पता है कितनी भयानक अग्नि थी, फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ, हम सब बच गए। घर दीवारों से थोड़ी बनता है, घर अपनों से बनता है, और हम सब सुरक्षित हैं। पता है तुम्हें अशोक, हमारे घर की रक्षा हमारे घर की लक्ष्मी ने की है। हमें कुछ नहीं हुआ, तेरे सारे अपने तेरे सामने हैं। भाभी ने आज बहुत बहादुरी दिखाई है, उन्होंने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई है। तुमने मेरी जान बचाई? क्यों? पर तुम तो मुझसे नफरत करती हो। मुझे आग में जलता हुआ देख के यही सोचोगी ना कि अच्छा है ये चंड इस आग में जल के मर जाए। सही कहा तुमने, यदि मैं चाहती तो तुम्हें आग में जलकर मरने देती, किंतु देवी ऐसा कैसे करती? देवी खुद जल जाती, किंतु तुम्हें नहीं जलने देती, क्योंकि वो प्रेम की देवी है। तुम्हारी जान मैंने नहीं, देवी ने बचाई है। विवाह की सात रस्में देवी ने पूरी की है, मैंने नहीं।